अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप भी एक स्टूडेंट हैं और 100% मार्क्स लेना चाहते हैं, तो ये स्टडी टिप्स आपके लिए हैं। इन टिप्स को जरूर फॉलो करें और इनको फॉलो करके अगर आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग स्केड्यूल बना लें अपना। आप स्केड्यूल किस तरह से बनाना है, आप रूटीन सेट कर लें। आप दिन में किस टाइम फ्री होते हैं वो टाइम टेबल आप अपना नोट कर लें कि फॉर एग्जांपल 2 to 4 PM आपने स्टडी करनी है, तो ये आप नोट कर लें। साथ साथ आपने जो भी टॉपिक्स रीड करने हैं वो भी आप लिख लें, अपना एक स्केड्यूल बना लें। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग कोई भी मॉर्निंग टाइम सेट करें अगर पॉसिबल है तो, बिकॉज उस टाइम माइंड फ्रेश होता है और आप अच्छे से स्टडी कर पाते हो जी। तो सेकंड आपने क्या करना है, आप एक कॉपी लें और आपने जो भी टॉपिक उस दिन में पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आज पढ़ना है, तो आप अपने टॉपिक को देखें, उसमें जो भी आपको वर्ड कोई समझ नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद अपना मोबाइल पकड़ें, उसको गूगल करें, उसके बाद आप एक अलग कॉपी के ऊपर वो लिख लें। अब आपने ये करना है कि अपना मोबाइल पावर ऑफ कर देना है, नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफ नहीं करना, आपने पावर ऑफ कर देना है मोबाइल और साइड पर रख देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने कोई भी स्पेसिफिक प्लेस जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है स्टडी के लिए। ऐसी जगह हो जो कंफर्टेबल बिल्कुल भी ना हो, लेकिन वहां पे आप अकेले बैठ के स्टडी कर सकें, क्योंकि कंफर्टेबल जगह होगी तो आपको वहां पे नींद आएगी या आप उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो अब आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आपने जो भी टाइम टेबल रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपने 1 घंटे या 2 घंटे जो भी सिलेक्ट किया उतना टाइम आपने पढ़ना है। कोशिश करें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें अपने, आपने जो गूगल किए थे क्वेश्चंस उनको देखें, रीड करें, और यही स्केड्यूल आपने अपनी रूटीन बना लेनी है। रोजाना उसी टाइम पे आपने उतने घंटे जरूर पढ़ना है, उसके दरमियान में आप लोगों ने बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी। स्टूडेंट्स इन टिप्स को फॉलो करके अगर आपके ग्रेड्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं तो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।